अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे एशिया कप के ग्रुप फोर के मैच नंबर फाइव के बारे में, जो कि हुआ है इंडिया बामुकाबला अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया। इंडिया की तरफ से बहुत सी चेंजेस की गई टीम में। दिनेश कार्तिक को, अक्षर पटेल को और दीपक चार को टीम में शामिल किया, जबकि अफगानिस्तान ने सेम टीम खिलाई। रोहित शर्मा जो कि इंडिया के कैप्टन थे, उनको इस मैच में रेस्ट दी गई, जबकि केएल राहुल इंडिया के कैप्टन थे। इंडिया की तरफ से विराट कोहली और केएल राहुल ने इनिंग का स्टार्ट किया। इंडिया के बल्लेबाज खास तौर पे केएल राहुल और विराट कोहली ने मैच की इब्तदाई से अफगानिस्तान के बॉलरों को बिल्कुल बेबस कर दिया और अफगानिस्तान के बॉलर बिल्कुल बेबस नज़र आए इन दोनों के सामने। केएल राहुल और विराट कोहली ने 119 रन की पार्टनरशिप की और केएल राहुल 119 के मजमू स्कोर पे 62 स्कोर बना के 12.4 ओवर में आउट हो गए, जबकि विराट कोहली ने अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग जारी रखी। विराट कोहली ने इस मैच में अपने T20 की पहली सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा उन्होंने 71 सेंचुरियाँ बनाने का नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया और इस रिकॉर्ड से विराट कोहली ने रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ दिया और दूसरे नंबर पे आ गए। विराट कोहली ने 122 रन की नाकाबिले शिकस्त की इनिंग्स खेली और इंडिया ने अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पे 212 रन जोड़े और अफगानिस्तान को जीत के लिए 213 रन का टारगेट दिया। जवाब में अफगानिस्तान की टीम शुरुआत से ही मुश्किल का शिकार थी और भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले ही ओवर में अफगानिस्तान की ओपनिंग जोड़ी को पवेलियन वापस भेज दिया। आज के पूरे मैच में लगता ऐसा था जैसे इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल टीम खिलाई है, जबकि अफगानिस्तान अपने किसी क्लब की टीम खिला रही है। अफगानिस्तान की टीम ने अपने मुकर्रर 20 ओवर में टोटल 111 रन ही जोड़े और यूं अफगानिस्तान 101 रन से ये मैच हार गई। स्कोरबोर्ड की बात करें तो इंडिया की तरफ से केएल राहुल ने, जो कि इंडिया के कैप्टन थे, 41 बॉलों पे 62 रन किए। विराट कोहली ने 61 बॉलों पे 122 रन की शानदार इनिंग खेली और अपनी T20 की पहली सेंचुरी स्कोर की और नॉट आउट रहे। सूर्य कुमार यादव ने 2 बॉलों पे 6 रन किए। ऋषभ पंत ने 16 बॉलों पे 20 रन किए। 2 एक्स्ट्रास की मदद से इंडिया की टीम ने अपने मुकर्रर 20 ओवर में 212 रन जोड़े और अफगानिस्तान को जीत के लिए 213 रन का हदफ दिया। अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से फजल अक फारूकी ने अपने 4 ओवर में 51 रन दिए और कोई विकेट नहीं ली। मुजीबुर रहमान ने 4 ओवर में 29 रन देके कोई विकेट नहीं ली। फरीद अहमद ने 4 ओवर में 57 रन दिए, जो कि बहुत महंगे साबित हुए, लेकिन 2 विकेटें भी ली। राशिद खान ने अपने 4 ओवर में 33 रन देके कोई विकेट नहीं ली। मोहम्मद नबी ने 3 ओवर में 34 रन दिए और कोई आउट नहीं किया। अजमतुल्ला उमरजई ने 1 ओवर करवाया, 8 रन दिए और कोई विकेट नहीं ली। अफगानिस्तान की टीम 213 रन के बड़े हदफ के ताकुब में अपनी इनिंग के स्टार्ट से ही मुश्किल का शिकार थी और अफगानिस्तान की तरफ से हजरतुल्ला जजई ने 4 बॉलों पर कोई रन नहीं किया। रहमानुल्ला गुरबाज ने 1 बॉल खेली और कोई रन नहीं किया। इब्राहिम जरदान ने 59 बॉलों पर 64 रन की नकाबले शिकस्त इनिंग खेली। करीम जन्नत ने 4 बॉलों पर 2 रन किए। नजीबुल्ला जरदान ने 2 बॉलों पर कोई रन नहीं किया। मोहम्मद नबी, जो कि अफगानिस्तान के कैप्टन थे, 7 बॉलों पर 7 रन किए। अजमतुल्ला उमरजई ने 6 बॉलों पर 1 रन किए, जबकि राशिद खान ने 19 बॉलों पर 15 रन किए। मजीबुर रहमान ने 13 बॉलों पर 18 रन किए। फरीद अहमद ने 5 बॉलों पर 1 रन किए और आउट नहीं हुए। 3 एक्स्ट्रास की मदद से अफगानिस्तान की टीम ने अपने मुकर्रर 20 ओवर में 111 रन जोड़े और 8 विकेट आउट हुए। इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो इंडिया की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 4 रन देके 5 विकेट लीं। दीपक चाहल ने 4 ओवर में 28 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर में 7 रन दिए, 1 विकेट ली। अर्शद पटेल ने 4 ओवर में 24 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। अश्वन ने 4 ओवर में 27 रन देके 1 विकेट ली। दीपक हुडा ने 1 ओवर में 3 रन दिए और 1 विकेट ली। दिनेश कार्तिक ने 1 ओवर में 18 रन दिए
और कोई आउट नहीं किया। इस तरह इंडिया ने 101 रन के बड़े मार्जिन से बआसानी ये मैच अपने नाम किया। विराट कोहली को उनके कैरियर बेस्ट T20 रन पे मैन ऑफ द मैच दिया गया। विराट कोहली ने 61 बॉलों पे 122 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हम उम्मीद करते हैं कि आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। जज़ाकअल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।